जब पानी रुक जाता है और इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, तो हमारा दीन हमें तकरीब देता है कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह से माफिया मांगो, इस्तगफार करो, तौबा करो, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, और नमाज इस्तिस्का के नतीजे में अल्लाह ताला शानों की रहमत जब जोश में आ जाएगी तो बारिश बरसती है। चुनाचे उम्मत 1400 साल की तारीख में उम्मत के हजारों तजर्बात हैं कि खुशकसाली पैदा हुई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लोग भीगते हुए वापस आए। मुझे खुद याद है, हम देवबंद में थे, मैं उस जमाने में नाबालिग था और दर्जे हिफ्स में कुरान करीम हिफ्स कर रहा था। देवबंद में ऐलान हो गया कि साहब नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी, और देवबंद के ईदगाह में नमाज इस्तिस्का पढ़ने का ऐलान हुआ। उस जमाने में देवबंद में हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला मोहतमिम थे, जो दारुल देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोत्री के पोते थे और हजरत मौलाना अनवर शाह साहब के शागिर्द खास थे। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब यहाँ कश्मीर में तशरीफ लाए हैं। हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला को नमाज इस्तिस्का पढ़नी थी, हम छोटे बच्चे थे, हम भी बच्चों के साथ चले गए। चनाचे ईदगाह के अंदर नमाज इस्तिस्का हुई, नमाज इस्तिस्का के बाद वहाँ दुआ हुई, और दुआ के बाद जब वापस चले हैं तो तमाम लोग भीगते दौड़ रहे थे। मुझे भी याद है इस वक्त कि मैं भीगता हुआ जब वापस अपने कमरे में पहुंचा तो दूसरे मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैं मुश्किल का शिकार हो गया था। गोया बरसते ही बारिश में वापस आए, दुआ इस्तिस्का का फौरन अल्लाह ताला सामने नतीजा निकाल दिया। यहाँ कश्मीर में हमने एक मरतबा नमाज इस्तिस्का पढ़ी, इसी तरह से कहसाली की बना पर बड़ी परेशानियां थी, तो हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ी तो 24 घंटे के बाद बारिश हुई थी। अगर नमाज इस्तिस्का पढ़ने के बावजूद भी बारिश ना हो तो जवाब यह है कि यह अलामत इस बात की होती है कि अल्लाह ताला शानु चाहते हैं मेरे बंदे और मेरे साथ मुतवज्जे हो जाए, और या फिर अल्लाह ताला शानु की तरफ से गोया खामोश जुबान में बताया जाता है कि जितने बंदे मेरी तरफ मुतवज्जे हुए उनसे ज्यादा लोग मुझसे दूर हैं, तो जो मुझसे दूर है उनकी वजह से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, इसलिए बारिश रुक जाती है। चुनाचे नमाज इस्तिस्का में जो दुआएं की जाती है, या अल्लाह हम पर रहम फरमा, और अगर हमारे गुनाहों की वजह से आप नाराज हैं तो ये जो बाकी सारी मखलूक है, आपके जानवर, आपकी जमीनें, आपके कीड़े मकोड़े, आपके मखलूक है, उन पर रहम खाते हुए बारिश बरसा दीजिए। इसीलिए नमाज इस्तिस्का पढ़ने का एक तरीका यह भी है कि खुले मैदान में पहुंचे और मर्द और औरतें और बच्चे और बहुत तबाहाल में पहुंचे, जानवरों को भी लेकर के आए, और जानवरों को लेकर क्या करके गया, अल्लाह ये जानवर प्यासे मर रहे हैं, इनके लिए पानी कहीं नहीं है, आप पानी बरसा दीजिए। उसके नतीजे में अल्लाह ताला शानों की जात रहीम जात है, रहम पर आ जाती है तो पानी बरसने लगता है।